नाउ विल टॉक ऑफ दी बेसिक आइडेंटिटीज राइट। एज आई सेड कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें चीज़ें हर चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। तो चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो तुम्हारे आर डी शर्मा बुक्स में फर्स्ट एक्सरसाइज है वो इन्हीं बेसिक आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड है। जो भी हम चीज़ें ट्रिगोनोमेट्री में देखते हैं उसको हम लोग हमेशा किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में देखते हैं, ठीक है। तो मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया, ठीक है। दिस इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। लेट्स कॉल इट ट्राइंगल ए बी एंड सी। लेट्स से दिस इज योर थीटा वैल्यू, ओके। दिस इज योर थीटा वैल्यू। सो इफ दिस इज थीटा देन ए बी शुड बी द परपेंडिकुलर, बी सी शुड बी द बेस एंड ए सी हैज़ टू बी द हाइपोटेनस। नाउ वी ऑलरेडी नो दैट साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस, cos theta is the ratio of base upon hypotenuse, and tan theta is the ratio of perpendicular and base. We know this, right? What else do you know about a right angle triangle? Have you heard of Pythagoras theorem? Suna hai kya? Kya padha tha? Perpendicular ka square plus base ka square is equal to hypotenuse ka square. Basic identities teen hain, wo teenon ki teenon yahin se aati hain, yahin se nikal ke aati hain. क्या करते हैं, ये जो तुम्हारे पास पाइथागोरस थ्योरम है ना, इसको एक बारी एच स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, एक बारी पी स्क्वायर से और एक बारी बी स्क्वायर से। आओ ज़रा करके देखते हैं। जब मैंने इसको एच स्क्वायर से डिवाइड किया तुम्हारे पास क्या आया, पी बाई एच का होल स्क्वायर प्लस बी बाई एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच बाई एच का होल स्क्वायर। वट इज़ दैट? वन। आई होप यू ईजिली गेट इट, ठीक है। थोड़ी जगह छोड़ देते हैं, इसका रिजल्ट लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बारी मैंने बोला इसको पी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, जरा देखते हैं ना क्या होता है। पी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर कितना आ गया, वन। बी बाई पी आएगा उधर, बी बाई पी का क्या, होल स्क्वायर। और राइट साइड पे कितना आ गया, एच अपॉन पी का होल स्क्वायर। इसको मैं अपना सेकेंड रिजल्ट कहता हूँ, चलेगा। अब एक बारी क्या करूँ, इस बार इसको बी स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, थर्ड रिजल्ट। तो बी स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये कितना आ गया, पी अपॉन बी का होल स्क्वायर। बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर तो वन हो गया, और ये कितना आ गया, एच बाई बी का होल स्क्वायर। हेयर यू स्टडी द फर्स्ट थ्री बेसिक और फंडामेंटल आइडेंटिटीज दैट इज देयर इन योर सिलेबस, राइट। यहाँ पे ये पहली चीज तुम पढ़ते हो, पी अपॉन एच तुम जानते हो क्या होता है, साइन थीटा होता है। स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बी अपॉन एच आपको पता है कॉस थीटा होता है, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। That becomes one of the very, very popular formula or identity of trigonometry, sine square theta plus cos square theta is equal to what? One. ठीक है, कहाँ से निकल के आता है, Pythagoras theorem से ही निकल के आता है। ये सब तीनों ही Pythagoras theorem से निकल के आते हैं, ये बात तुम्हें आसानी से दिखती है, कुछ भी नहीं रटेंगे, ध्यान रखना। मैंने क्या बोला था तुम्हें, trigonometry में एक भी formula हम नहीं रटेंगे, सब कुछ समझेंगे, ठीक है। अब बताओ b upon p क्या ये कुछ जाना पहचाना है क्या, देखो ना b upon p क्या cot theta नहीं होगा क्या, अगर p अपॉन बी टैन थीटा है तो b अपॉन पी कॉट थीटा बोलोगे नहीं बोलोगे, यानी इसको आप क्या बोलोगे, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। अरे p बाई एच साइन था तो h बाई पी साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक नहीं होता है, राइट। स्क्वायर है तो क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा है। दैट बिकम्स योर सेकेंड आइडेंटिटी, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वॉट, कोसेक स्क्वायर थीटा, राइट। अक्सर मैंने इस सेकेंड और थर्ड वाले में बच्चों को कंफ्यूज होते देखा है, अक्सर बच्चे ये सिली मिस्टेक करते हैं, वन प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा लिख देते हैं कई बार, है ना। इस तरह की सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती है सेकेंड और थर्ड वाले में, फर्स्ट वाले में तो बच्चे गलत नहीं करते हैं, बट सेकेंड थर्ड में अक्सर कर देते हैं, है ना। तो वो बच्चे ज़्यादा गलत करते हैं जो इसको रटते हैं, बट आप अगर इसको समझ रहे हैं तो शायद आपसे ये गलती नहीं होगी। पी अपॉन बी बताओ क्या है, पी अपॉन बी हमारे पास टैन है क्या, है ना। इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर था, इसको भी मैं 1 प्लस टैन स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, चलेगा ना। टैन स्क्वायर प्लस 1 बोलूँ या 1 प्लस टैन स्क्वायर बोलूँ, थोड़ा सिमेट्री आ जाएगी दोनों में, है ना। और एच बाई बी यही बी बाई एच कॉस था तो इसका उल्टा क्या था, सेक था क्या, सेक था, राइट। सो ये तुम्हारी तीसरी आइडेंटिटी बनती है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर ये बातें आपको समझ में आ गई तो चैट बॉक्स में आप जल्दी से वाई लिखेंगे, वाई मतलब यस, ठीक है। मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। अभी भी किसी भी चीज़ को अगर आपको रिटेन करने में परेशानी होती है तो मैं ये कहता हूँ कि आप उसमें क्या कीजिए, कुछ लॉजिक लगा लीजिए, कुछ ऐसा कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लो तो वो याद रह जाता है।
जैसे ये जो है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, ये बच्चों को याद रहता है, इसमें मैं कोई लॉजिक तुम्हें नहीं दूंगा। कन्फ्यूजन यहाँ पे होती है, यहाँ बच्चों को अक्सर मैंने देखा है प्रॉब्लम होती है। तो इसमें मैंने ऐसे लॉजिक लगा रखा है कि टैन और कॉट, टैन क्या था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉट क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, टैन और कॉट, राइट, ये वन प्लस कॉट स्क्वायर है तो कोसेक, राइट, ये पूरा सी में ही चलेगा, राइट, कॉट है तो कोसेक, इन उल्टा रेसिप्रोकल वाले सब सारे के सारे चल रहे हैं, ठीक है, वन प्लस टैन स्क्वायर है तो यहाँ पे तुम्हारा सेक स्क्वायर होगा, ठीक है, कोसेक और सेक कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, टैन और कॉट कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, वन प्लस कॉट स्क्वायर क्या कोसेक स्क्वायर, वन प्लस टैन स्क्वायर क्या सेक स्क्वायर, ठीक है। बाकी तुम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो उतना अच्छा है, रटना कभी भी एडवाइजेबल नहीं है, ठीक है, रटना बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, राइट, आइए कुछ क्वेश्चंस करेंगे, हमारे पास थोड़ा सा टाइम बाकी है, और उसके बाद अथर्व का शायद एक डाउट भी था उसको भी करने की कोशिश करेंगे। जैसे सपोज करो कुछ रैंडम क्वेश्चंस मैं करके दिखाता हूँ, है ना, बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं। पहली एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की, एक्सरसाइज 5.1, लेट से यहाँ पे हमें इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे स्टार्ट करोगे, यू विल सर्टेनली स्टार्ट ईदर फ्रॉम दी LHS और फ्रॉम दी RHS, ठीक है, कहीं एक जगह से आप स्टार्ट कर लो। जैसे मान लो मैं LHS से स्टार्ट करता हूँ, किससे स्टार्ट करता हूँ LHS से, तो ये LHS में मैं ना सेक्स स्क्वायर थीटा को कॉमन लेना चाहता हूँ, चलेगा क्या, चलेगा ना, सेक्स स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, अंदर क्या आ गया मेरे पास, अंदर आ गया मेरे पास सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस वन, राइट, सेक्स स्क्वायर एक्स एंड माइनस वन। अब सेक्स स्क्वायर और टैन स्क्वायर के बीच में कुछ रिलेशन हमने पढ़ा था क्या, अभी भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा, अभी हमने पढ़ा था, राइट नाउ, यानी ये जो अब क्योंकि मेरे पास जहाँ प्रूव करना है वो सब कुछ टैन में है, तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि हमारी चीज़ को टैन में कन्वर्ट करें, यानी ये सेक्स स्क्वायर एक्स जो है इसको मैं क्या वन प्लस टैन स्क्वायर एक्स लिखूंगा ना, जो ब्रैकेट के बाहर है इसको मैं क्या लिखना चाहूँगा, वन प्लस टैन स्क्वायर एक्स। और यहाँ ज़रा देखो सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन क्या होगा, अगर मैं इस प्लस वन को उठा करके माइनस वन इधर कर दूँ तो ये क्या है टैन स्क्वायर थीटा के बराबर है कि नहीं, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू वॉट, दिस इज इक्वल टू टैन स्क्वायर एक्स। नाउ इफ यू ओपन इट you get the required thing, very very easy question, right, tan square x plus tan ki power 4x, very very easy question, theek hai, so I hope you find it very easy, okay, aao zara ek aad question aur dekhte hain, right, randomly ek aad question aur karke dekhte hain, uske baad main Atharv ek doubt pucha hai usko discuss karna chahunga, so let's say 12th kar le, aao chalo 12th kar lete hain, isko zyada mushkil sa lag raha hai ye dekhne mein, question number 12 dikhne mein bada khatarnak sa lag raha hai, तो चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, खतरनाक है तो थोड़ा मज़ा आएगा, राइट, आइए देखते हैं। तो इसको कैसे देखा जाए, यहाँ हमारे पास सेक्स स्क्वायर है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, हमें इतना तो पता है कि इसको हम 1/cos लिख सकते हैं, यहाँ पे कॉसेक है, यहाँ पे साइन है, तो ये भी पता है कि इसको हम लोग 1/sin लिख सकते हैं, पता है ना, राइट, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाएगा, राइट, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाएगा, तो चलो देखते हैं, लेट्स सी हमें अल्टीमेटली पहुँचना कहाँ पे है, साइन और कॉस में पहुँचना है। तो ऑब्वियसली बात है, देखो मैं ये सजेस्ट करूंगा जब कोई भी इस तरह के प्रूफ वाले क्वेश्चंस तुम्हें करने हो तो हमेशा उस साइड से स्टार्ट करना, जरूरी नहीं है कि तुम LHS स्टार्ट करो, जरूरी नहीं है तुम RHS से स्टार्ट करो, तुम्हें हमेशा उस साइड से स्टार्ट करना चाहिए जिस साइड में इक्वेशन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रही है। तो कॉम्प्लेक्स किधर है, यहाँ पे LHS साइड में है, तो मैं LHS से ही स्टार्ट करूंगा, ओके, अच्छा स्टार्ट करते हुए मेरे माइंड में क्या आएगा, भाई यहाँ पे सब कुछ साइन और कॉस में दिख रहा है तो मैं इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, ओके, सो लेट्स सी, आई वुड स्टार्ट विद दी LHS, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 का LHS लेकर के यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, ये 1/ sec square को मैं लिखना चाहता हूँ 1/ cos square, आई होप यू हैव नो प्रॉब्लम, 1/ cos square x, ओके, माइनस cos square x। सिमिलरली जो दूसरी वैल्यू है मेरे पास ये कितनी आ रही है, ये आ रही है मेरे पास 1/ sin square x माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है भाई, और ये पूरी चीज़ हमारे पास किससे मल्टीप्लाई हो रही है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स से, ठीक है। तो एक्सप्रेशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है बट बिल्कुल पेशेंटली तुम्हें मूव करना है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर कॉस स्क्वायर LCM लूँगा तो कॉस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाता है, ऊपर जाता है, सो दैट वुड बी कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे मेरे पास कितना आएगा 1 cos square into cos square, यानी कितना आ जाएगा cos की पावर 4x, ओके। यहाँ देखा मैंने, यहाँ मेरे पास कितनी वैल्यू आ रही है, यहाँ मेरे पास वैल्यू आ जाएगी सिमिलरली sin square x ऊपर चला जाएगा, और यहाँ मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 sin की पावर 4x, ठीक है, sin की पावर 4x, 4x वुड बी देयर,
ओके, और ये पूरा एक्सप्रेशन किससे मल्टीप्लाई होने वाला है अभी, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स से, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई होने जा रहा है, ठीक है। सो हमें इतनी सी बात तो समझ में आती है, ओके। हमें सब कुछ को साइन कॉस में लेके जाना, ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा होता जा रहा है ना, थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है। तो क्या इसमें कुछ और सोच सकते थे, राइट? क्या इसमें हम कुछ और सोच सकते थे जिससे कि ये चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती? अगर मैं इसको साइन कॉस को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता, अगर मैं ये साइन कॉस को अंदर मल्टीप्लाई कर देता तो यहाँ पे मेरे पास साइन स्क्वायर आता और कॉस की पावर फोर आता, है ना। साइन स्क्वायर आता और क्या आता, कॉस की पावर फोर आता, यहाँ पे आता साइन की पावर फोर और कॉस स्क्वायर आता, है ना। तो कहीं ना कहीं कुछ तो थोड़ा सा बेटर होता हुआ दिखता है, राइट, टैन और कॉट में जाता हुआ दिखता है। और चलो देखते हैं, लेट अस मल्टीप्लाई दिस इनसाइड और उसके बाद फिर सोचेंगे, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स यहाँ अंदर मल्टीप्लाई किया, ये कितना आ जाएगा, कॉस की पावर फोर एक्स आ जाएगा, ठीक है, कॉस की पावर फोर एक्स आ जाएगा। नीचे हमारे पास जो भी था वो एज इट इज़ बना रहेगा, दैट इज़ वन माइनस कॉस की पावर फोर एक्स, ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे कितना आ गया बच्चों, यहाँ हमारे पास आ जाएगा साइन की पावर फोर एक्स, ठीक है, इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। नीचे अगेन आपके पास जो भी था वो बना रहेगा, दैट इज़ वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वन माइनस साइन की पावर फोर एक्स, ठीक है, ओके। अब क्या करें, अब क्या करें, अब ऐसा करते हैं कि ये जो वन माइनस कॉस की पावर फोर एक्स है ना, इसको थोड़ा आसान कर लेते हैं। शायद तुम लोग जानते होगे कि अगर कभी भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आई एम श्योर यू नो दैट, ठीक है। तो ये जो वन माइनस कॉस स्क्वायर की पावर फोर एक्स है, ध्यान से देखो, मैं इसको अलग करके लिख रहा हूँ, ठीक है। वन माइनस कॉस की पावर फोर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ कि नहीं, बताओ, लिख सकता हूँ। सिमिलरली वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स एंड वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ओके। अब वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्या इसके बारे में तुम कुछ जानते हो? यस, तुम जानते हो, क्या जानते हो, कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वन था, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर एक्स लिखूंगा, ठीक है। मैं ये सब इसलिए अलग से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ थोड़ी जगह कम है ना, इसलिए। तो डिनोमिनेटर तुम्हारे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ रह जाएगा वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है क्या? मैं इसी स्टेप में इसका कलर चेंज करके लिख दूँ, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास ये वाली चीज़ कैंसिल हो जाएगी, नीचे क्या बचेगा मेरे पास, वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और क्या कैंसिल होगा, साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा। आई होप यू गेट इट, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो यहाँ मेरे पास क्या आएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर एंड वन प्लस साइन स्क्वायर, तो क्या बचेगा मेरे पास, वन प्लस साइन स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। और वन माइनस साइन स्क्वायर से मेरा क्या कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स, ऑल राइट, ठीक है भाई, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन इसके आगे क्या, इसके आगे हमारे पास, हमें तो साइन कॉस में जाना है और ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा ब्रेक थ्रू हमें अभी तक तो मिला नहीं है, तो क्या किया जाए? तो फिर ऐसा करते हैं कि अगर हम इसको कॉस स्क्वायर है, यहाँ भी कॉस स्क्वायर है, कॉस की पावर फोर है, यहाँ साइन की पावर फोर है, और हमें साइन की पावर स्क्वायर में आना है, ठीक है। पावर कुछ तो घटी है, पहले पावर सिक्स थी, अब हम लोग फोर और स्क्वायर में तो आए हैं, है ना, थोड़ी सी तो पावर डिक्रीज हुई है, बट अभी बात नहीं बन रही है, कुछ और थोड़ा सोचने की ज़रूरत तो पड़ रही है। अच्छा, तो क्या करें, अगर मैं इसको कॉस से डिवाइड कर देता, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देता, तो क्या आता मेरे पास, सोच के देखो। अगर मैं कॉस स्क्वायर से डिवाइड करता तो यहाँ तो कॉस स्क्वायर हो जाता और यहाँ पे मेरे पास आता सेक्स स्क्वायर प्लस वन, राइट, और वन प्लस सेक्स स्क्वायर ना, वन प्लस टेन स्क्वायर होता तब तो फायदा होता है ना, तो बात नहीं बनती। अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा और सोच के देखते हैं। अगर हम लोग नहीं, लेकिन साइन से डिवाइड करेंगे तो बात बनेगी नहीं, बिकॉज साइन से डिवाइड करने पे यहाँ पे हमारे पास कॉट आ जाएगा, है ना, कॉस अपॉन साइन इज व्हाट, कॉट हो जाएगा, ओके। तो फिर देखो, जब ज़्यादा कुछ ना समझ में आए ना, हालांकि डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ और स्मार्ट मेथड होना चाहिए, है ना, शायद मैं आपको कल की क्लास में इसको और बेहतर तरीके से करना बताऊंगा, बट फिलहाल हम आंसर तक तो हमेशा पहुंच सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, है ना। आरएचएस कैन बी सिंप्लीफाइड, हाँ आरएचएस कैन बी सिंप्लीफाइड, कोई टेंशन नहीं है पलक्ष, बट हमें तो एक साइड से शुरू करके दूसरी साइड तक पहुँचना होता है, ओके, तो हम दूसरे तक पहुँचते हैं, ओके। तो आओ देखो, इसके एलसीएम लेते हैं और लेट्स रीच, देखते हैं, बहुत टेंशन नहीं है, रिलैक्स होकर करोगे सब आंसर आएगा, बिल्कुल घबराना मत। देखो मैं करके बताता हूँ, अब मैं यहाँ पे एलसीएम लूंगा बेटा, मेरे पास एलसीएम कितना आएगा, वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है,
1 plus cos square x into 1 plus sin square x. We are very close to the answer, right? You are almost done. थोड़ी सी calculation ज़्यादा हो रही है, कोई बात नहीं, relax, हो जाएगा. इसको मैंने multiply किया, कितना आया बताओ? cos की power 4x plus sin square into cos square x. ठीक है, sin square x into cos की power 4x. cos की power 4x. ठीक है, ये मेरा first bracket ये वाला open किया. यहाँ पे कितना आएगा बताओ? ये 1 plus cos square से ये multiply होगा. ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास sin की power 4x into 1 plus cos square x. चलेगा? थोड़ी जगह कम हो रही है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो मैंने लिखा था ये इरेज कर देता हूँ. ठीक है, ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था. आई होप आपके पास ये आ गया है और रिकॉर्डिंग में भी अदरवाइज अवेलेबल है, तो कोई टेंशन नहीं है. आइए, वी वुड लाइक टू रीच द फाइनल आंसर. डिनोमिनेटर तो बिल्कुल दिखना शुरू हो गया. कैसे? देखो, जब तुम इसको ओपन करोगे क्या आएगा? 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यानी कि तुम्हारे पास 1 आ गया. ठीक है, और क्या आया तुम्हारे पास? साइन स्क्वायर एक्स आया, कॉस स्क्वायर एक्स आया. ठीक है, यू हैव साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स. ठीक है, और तुम्हें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वन होता है, तो डिनोमिनेटर तो तुम्हारा हो गया, इट्स डन. न्यूमरेटर में थोड़ा सा काम रह गया, कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं, घबराना नहीं है, रिलैक्स होकर रहना है, सब काम होगा. ठीक है, सब कुछ होगा. अब देखो कितना आया, आराम से देखेंगे. तो ये मेरे पास कॉस की पार 4x है और यहाँ साइन की पार 4x है. जो पार्स है ना उनको एक साथ रखो. ठीक है, कॉस की पार 4x और साइन की पार 4x को मैं एक साथ रख रहा हूँ, चलेगा ना? कोई टेंशन तो नहीं. ठीक है, साथ में क्या बचा मेरे पास? साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स और साइन की पार 4x. ये तो बहुत ही बढ़िया है यार, दिस इज़ वेरी गुड. क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन लेना चाहता हूँ. ठीक है, इससे बेनिफिट क्या मिलेगा? यहाँ से तो मुझे ये वाले टर्म से साइन स्क्वायर मिलेगा और इससे कॉस स्क्वायर मिल जाएगा. तो मिला साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स. ठीक है, जहाँ भी मुझे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मिलेगा उसको तो मैं बिना कुछ सोचे क्या बना दूंगा? वन बना दूंगा. ठीक है भाई, उसको मैं क्या बनाने जा रहा हूँ? वन बनाने जा रहा हूँ. द क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट डन. के मैं ऊपर वाली जगह थोड़ी सी क्रिएट कर लूँ यहाँ पे, राइट? ये इसको इरेज कर दे रहा हूँ. ठीक है, वीडियो में तुम्हारे पास अवेलेबल है, सो आई जस्ट होप अगर ये नोट्स में ना भी हो तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, राइट? चलो देखो, जस्ट एक स्टेप रह गया है एंड इट इज़ ऑल डन. कलर चेंज कर देता हूँ ताकि, चलो रेड कंटिन्यू करते हैं, है ना? इसके बाद यहाँ पे ये कैलकुलेशन यहाँ पे है. ठीक है, हेयर इट इज. सो एक बात बताओ मुझे, सिर्फ एक बात बताना कि अगर मैं ए की पावर 4 है और बी की पावर 4 है, क्या मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूँ क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर. आई होप आप ये वाली बात जानते हैं. और ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पे क्या बनेगा? वन बनेगा. ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना बनेगा? वन बनेगा. उसका स्क्वायर भी करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यानी ये जो न्यूमरेटर है, ये जो चीज़ मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखी है, ये कि मुझे कितना देगा? ये मुझे देगा वन माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स. और यहाँ से तुम्हारे पास वन इंटू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है, यानी कि ये तुम्हारे पास प्लस में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स रह गया. दैट इज ऑल चिल्ड्रेन, राइट? इट इज ऑल फिनिश्ड. नीचे कितना आ गया? वन प्लस वन डेट इज टू, एंड इंटू वॉट? साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स. ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों आ जाता है. ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस टू और प्लस वन क्या बनेगा? माइनस हो जाएगा. तो एग्जैक्टली तुम्हारे पास ये रिक्वायर्ड आरएचएस यहाँ पे आ जाएगा. ओके, दैट इज हाउ यू कुड हैव डन दिस.